Hey guys, welcome to my Faizi classes and this is your Saeed Faizi. आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग वेल होंगे. दोस्तों, हमारे ही फैमिली के एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट में पूछा कि इवन नाउ का यूज़ स्पोकन इंग्लिश में कब करते हैं. दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं कि इवन नाउ का यूज़ स्पोकन इंग्लिश में कैसे और कब किया जाता है. सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें ताकि आप जान सकें कि इवन नाउ का यूज़ स्पोकन इंग्लिश में कैसे होता है. सो चलिए अब इसे डिफिनेशन के माध्यम से देखते हैं ताकि आप कंप्लीटली जान सकें कि इसका कैसे यूज़ होता है. दोस्तों देखिए, इवन नाउ का यूज़ स्पोकन इंग्लिश में हम तब करते हैं जब किसी भी हिंदी वाक्य में अभी भी या अभी का सेंस आए. राइट, अभी भी या अभी का सेंस आए तो हम इसके लिए इवन नाउ का यूज़ करते हैं. जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स भी लेता हूँ कि वह अभी भी शराब पीता है. राइट, वह अभी भी वहाँ जाता है, मैं अभी भी क्रिकेट खेलता हूँ. सो इन सभी सेंटेंस में देख सकते हैं कि आ रहा है अभी भी. तो मैं आप बताया ना कि अगर किसी भी हिंदी वाक्य में अभी भी का सेंस आए तो वहाँ पे आपको इवन नाउ का यूज़ करना है. लेकिन दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो अभी कर लें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो से आप स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखते रहें. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. दोस्तों, हमारा पहला एग्जाम्पल है वह अभी भी वहाँ जाता है. गाइड्स, मैं आपको बताया था ना कि अगर किसी भी हिंदी वाक्य में अभी भी का हिंदी शब्द आए तो वहाँ पर इवन नाउ का यूज़ करना रहेगा. लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको इवन नाउ का यूज़ सेंटेंस के पहले करना है और सेंटेंस के लास्ट में. ओके, दो सिचुएशन है, चाहे आप पहले कर सकते हैं या लास्ट में. जैसे मैं इस सेंटेंस को बनाता हूँ, ही गोज देयर इवन नाउ, ही गोज देयर इवन नाउ. सो आपने देखा कि इवन नाउ का यूज़ मैं सेंटेंस के आखिर में किया हूँ. चाहे तो आप इसको पहले भी ला सकते हैं, लेकिन अगर आपको इवन नाउ का यूज़ सेंटेंस के पहले करना है तो इवन नाउ के बाद आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, उसके बाद सेंटेंस को आप लिख देंगे. जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, इवन नाउ ही गोज देयर, इवन नाउ ही गोज देयर. गाइस, सेंटेंस दोनों सही है, चाहे आप इवन नाउ का यूज़ पहले करें या लास्ट टर्म के. हाँ, अगर आप पहले करेंगे तो इवन नाउ के बाद आपको कॉमा देना पड़ेगा, उसके बाद जो सेंटेंस रहेगा उसको आप पुट कर देंगे. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. दोस्तों, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वह अभी भी शराब पीता है, यानी शराब पीना उसकी एडिक्शन है, ये कह लीजिए कि उसे छूटती नहीं है. तो अभी भी शराब पीता है यानी अभी भी वाइन को यूज़ करता है. तो आप बनाएंगे, इवन नाउ ही ड्रिंक्स अल्कोहल या वाइन. ओके, इवन नाउ ही ड्रिंक्स अल्कोहल. सो इसमें भी देख सकते हैं कि मैं पहले इवन नाउ को यूज़ किया, उसके बाद जो सेंटेंस है रख दिया हूँ. चाहे तो आप इसको इवन नाउ को लास्ट में कर सकते हैं, ही ड्रिंक्स अल्कोहल इवन नाउ. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. दोस्तों, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है मैं अभी भी उससे प्यार करता हूँ. इस तरह का सेंटेंस आप लोग अक्सर बोलते होंगे कि मैं अभी भी उससे प्यार करता हूँ, यानी अभी भी कर रहा हूँ. राइट, तो आप लिखेंगे आई लव हर इवन नाउ, आई लव हर इवन नाउ. आइए कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं. दोस्तों, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वह अभी भी खेल रहा है. राइट, तो आप लिखेंगे ही इज़ प्लेइंग इवन नाउ, ही इज़ प्लेइंग इवन नाउ. नेक्स्ट एग्जांपल. दोस्तों, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वह अभी भी चोरी करता है. तो आप लिखेंगे इवन नाउ ही स्टील्स, इवन नाउ ही स्टील. सो गाइस, इस तरह से आपका लेसन पूरा हुआ. मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी. सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी हमारे चैनल से स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश लर्न करते रहें. लेकिन यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं जितने भी वीडियो पर टॉपिक बनाता हूँ, चाहे वो एडवांस टॉपिक हो या चाहे फिर ग्रामर हो, सभी से आप प्रैक्टिस कीजिए.
क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन, याद रखें जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अच्छे बनेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।